हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस कंक्लूजन को समझेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो स्टेटमेंट्स क्या है इस कंक्लूजन का, आप देख सकते हो। ऑल कीज आर लॉक्स, सम लॉक्स आर आयरन। तो यहाँ पे मैंने तीन सर्कल बना रखे हैं। कीज़ को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एल लॉक को एल से और आयरन को आई से। तो जैसे कि जो बोले ऑल कीज आर लॉक्स, जो सभी कीज़ है वो लॉक्स हैं। तो एक लॉक्स का बड़ा सर्कल बना के उसके अंदर मैंने यहाँ पे की का एक सर्कल बना दिया है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, सम लॉक्स आर आयरन, जो थोड़े से लॉक्स हैं वो आयरन भी है। तो एक आयरन का सर्कल बना के लॉक्स के सर्कल के ऊपर से ओवरलैप कर दिया हमने। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन वन क्या है, जहाँ पे ऑल कीज आर आयरन, जो सभी कीज हैं वो आयरन है। तो क्या ये सही है? आप देख सकते हो की का सर्कल सेपरेट है, आयरन का अलग है। आयरन का जो सर्कल है वो लॉक के सर्कल के ऊपर से थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, बट की वाले से नहीं, बिल्कुल अलग है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हो जाती है हमारे यहाँ पे गलत। और सेकंड क्या है यहाँ पे, सम आयरन्स आर डेफिनेटली नॉट की, जो सम आयरन्स आर डेफिनेटली नॉट की। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, सम आयरन्स आर डेफिनेटली नॉट की, तो ये भी हो जाती है हमारी यहाँ पे गलत। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि आयरन्स की नहीं है, इन्होंने लिखा जो कीज़ है वो लॉक्स हैं और जो लॉक्स है वो आयरन है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये तो कहीं नहीं लिखा कि सम आयरन्स आर डेफिनेटली नॉट कीज़, के जो कुछ आयरन्स है वो कीज़ नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों। तो आयरन्स है वो कीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जो आयरन्स का है वो लॉक्स के जो सर्कल है उसके ऊपर से ओवरलैप कर रहा है। तो हो सकता है ये जो आयरन वाला हो, ये वहाँ पे जहाँ पे कीज़ का सर्कल उसके साथ भी ओवरलैप कर रहा हो। तो ये इनकी जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेटली वर्ड यूज़ कर लिया इन्होंने नॉट की, तो ये तो गलत है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो डेफिनेटली नॉट की तो नहीं हो सकता। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।